चलिए अब हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन अपना चैप्टर 5 ऑफ सारा आकाश। तो समय बर्बाद नहीं करके अपने शुरू करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिफ्थ पार्ट में क्या होता है, ठीक है? अच्छे से सुनना, बीच बीच में इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है, जो बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं उनको क्लियर भी होगा और रेफरेंस ये सब भी अपना बीच में जो आएगा वो मैं थोड़ा गाइड कर दूंगी आपको। बाकी स्टडी मटेरियल में तो अपना सब है, अब भी आपने नहीं लिया तो जल्दी जल्दी ले लीजिए। आइए, सवेरे मुन्नी ने समर के लिए खाना परोसा तो उससे पूछा कि क्या वे भाभी से जरा भी नहीं बोले। मुन्नी पूछे, बात नहीं किए। उसके नहीं कहने पर मुन्नी ने कहा कि क्या वे दूसरी शादी करना चाहते हैं। उसने बताया कि दूसरी शादी की बात भाभी और माँ के बीच, माने वो क्यों पूछे कि तुम दूसरा शादी करना चाहती हो, कि समर दूसरा शादी करना चाहते, वह समर को कुछ रहस्य बताना चाहती थी, सीक्रेट। तब वहां भाभी आ गई और वो चुप हो गई। भाभी ने मुन्नी को कपड़े सुखाने भेज दिया। समर बेमन से छोटे छोटे टुकड़े खा रहा था, खाने का मन नहीं था। भाभी ने समर से कहा कि आने वाले दीपावली को उसकी शादी को 6 महीने हो जाएंगे, याद रखना, अंडरलाइन कर लो बुक में ये लाइन है, दीपावली आने वाली दीपावली में 6 मंथ्स हो जाएगा। उन्होंने निराशा भरे और अपनेपन के स्वर से कहा कि उसकी शादी को कितने अरमान थे, उसकी शादी को लेकर। लेन देन की बात तो छोड़ दो, साथ साथ सब भूल जाते हैं, पर वह तो हमेशा के लिए उसके साथ बंध गई, माने वो भाभी भड़का रही है कि वो लड़की तो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए बंध गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घमंडी स्त्री नहीं देखा, माने भाभी को क्लियरली पसंद नहीं है प्रभा। हाथ की घड़ी बांध कर रसोई में गई, जब वो खाना बनाने गई थी ना, तो वो अपने एक हाथ में रिस्ट वॉच पहन के गई थी, मेंशन है, याद रख, ठीक है? सुना था खाना अच्छा बनाती है, किससे सुना? इसके पति से सुना, जो भाभी का पति है धीरज भैया, वो बहुत तारीफ कर दिए थे, ठीक है? क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम लड़की को देखने गए थे प्रभा को, तब वो खाना खाए थे उसके हाथ। भाभी प्रभा से जलती थी, उन्होंने उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत मजाक उड़ाया। समर उनकी बातें सह नहीं पा रहा था, इतना कड़वाहट, वो एक रोटी रोटी छोड़कर कॉलेज चला गया। भाभी से ही उसे पता लगा कि प्रभा के माता पिता उसे ससुराल भेजना चाहते हैं, माने प्रभा के माता पिता लेटर में लिखे थे कि अब बुला लो। 6 महीने बीत गए, समर सोच रहा था कि पता नहीं इस बीच वह कैसी हो गया, वो प्रभा के बारे में सोच रहे। वह पत्र उसे नहीं लिख सकती थी, वो पत्र भी नहीं लिखी, सोच रहे कि मेरे को पत्र भी नहीं लिख सकती थी, शायद वह उसे पढ़ता और उपेक्षा से फाड़ देता। वो खुद बोल रहे कि वो लेटर लिखती तो मैं पढ़ के निंदा से फाड़ देता, बट फिर भी क्यों नहीं लिखी, से देख रहे कैसा साइको लड़ते हैं। नेक्स्ट, पर उसे पत्र तो डालना चाहिए था। वह समर के दुर्व्यवहार के आघात से किस प्रकार प्रभावित हुई होगी, माने वो समर के इतना गंदा नेचर से प्रभावित हुई, वो उसके विषय में जानने के लिए बेचैन था, लड़का लड़की के बारे में जानने के लिए बेचैन था। पूरी जिंदगी उस घमंडी लड़की के साथ कैसे कटेगी, फिर नए सिरे से उठने वाले दूसरी शादी की बात, फिर नए तरीके से इसका दूसरा शादी का बात कर रहा है। कहीं मुन्नी इस विषय के लिए तो बात नहीं कर रही थी कि माने नया शादी उसका होने वाला है रॉय, माने इसी का समर। 25 रुपए बोर्ड परीक्षा की फीस जमा करनी थी, याद रखना फीस कितना है, 25 रुपीज। माँ के पास नहीं थे, बाबूजी की पेंशन के 25 रुपए आए थे, ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। बाबूजी को पेंशन में कितने रुपए मिलते थे? 25। उन्होंने दिए तो पर बहुत कुछ कहकर, माने बहुत कुछ सुनाया, पैसे की कमी का रोना रोया, फिर बदले हुए स्वर में बोला, पहले बहुत चिल्लाया, रोना रोया, फिर कोमल स्वर में बोला, बदले हुए स्वर माने कोमल स्वर में बोला, हाथ पांव में दोबारा से नौकरी करने की ताकत नहीं, धीरज की बहू के जापे की डिलीवरी का समय आ रहा है। इतने में ना भाभी प्रेग्नेंट भी हो गई थी एक्चुअली, तो बोल रहे कि बच्ची होने वाली, माने बच्चा होने वाला है उसको, तो उसका डिलीवरी का समय आ रहा है, उसमें काफी खर्चा होगा, सभी बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले, माने कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ धीरज है और सब स्कूल जाने वाले हैं। उनकी पत्नी बूढ़ी हो गई, अब उससे काम नहीं होता, पत्नी से माने समर की माँ से, कई वर्षों से कह रही थी अथवा जाकर प्रभा को ले आए जिससे वह घर का काम में हाथ बटा सके। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे कि जाओ अपनी बीवी को लाओ, थोड़ा घर का काम तो करे। समर ने कहा बाबूजी से अमर को भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी कड़क कर बोले, अमर चला जाएगा, तुम्हारा तो दम निकलता है बहू का नाम सुनकर, माने तुमको तो अच्छा नहीं लगता, भेड़िया है ना सो खा जाएगी, माने लड़की के लिए बोल रहे, कोई जानवर है क्या तुमको खा जाएगी, अच्छी थुकावा औलाद मिली है, माने एकदम गंदी औलाद मिली। बाबूजी की चिंता थी कि समर के अनुचित व्यवहार में समाज में उनकी बदनामी हो, वो सब क्यों बोल रहे, ताकि उसको डर है कि वो कैसे बहू से बर्ताव करे, कब ऐसा नाम खराब नहीं हो जाए। बाबूजी की ये तो हो गया, बाबूजी की बातें सुनकर समर को प्रभा सॉरी भाभी की बात याद आ गई, जो उन्होंने मजाक के लहजे में कही,
उन्होंने कहा था कि बाबूजी माँ से कह रहे थे कि समर से कहो कि किसी डॉक्टर वैद्य से मिल ले, अच्छी तरह दिखा ले, या फीस जो लगेगा हम दे दे। भाभी हंसती रही और माता पिता की मानसिकता पर समर झल्लाता रहा। माँ ने, यहाँ पर क्या हुआ था, प्रभा चली गई और प्रभा और इसमें बात नहीं हो रहा था, तो बाबूजी अम्मा और भाभी के सामने बोले कि अगर माने कोई इशू होगा किसके, समर के बॉडी में फिजिकल इशू टाइप्स, तो अगर कोई फिजिकल इशू है तो वो जाके डॉक्टर को दिखा ले, माने इन दी सेंस नॉट एबल टू, मतलब जो एक कपल लाइफ में होना चाहिए वो कुछ मिसिंग है, इसीलिए वो डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल रहे थे, ऐसे करके। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। देखिए, फिर उन्होंने कहा था कि बाबूजी माँ से कह रहे थे और भाभी इसका मजाक उड़ा रही थी, और इसको गुस्सा है कि मेरे आदमी होने पर कैसे माने वो डाउट कर सकते हैं कॉल करके। ऐसे तो उसने सोचा कि अच्छा हुआ जो उसे भाग दौड़ कर कॉलेज की फीस माफ करा ली, माने पहले वो क्या कहता, माफ करा लिया था फीस, फीस नहीं तो हर महीने महाभारत हो। जब उसने शादी के लिए मना किया तब तो माँ ने नहीं थे, माने जब लड़का बोला समर कि मेरा शादी मत करो तब घर वाले नहीं माने। बाबूजी की बातें सुनकर समर का मस्तिष्क भन्ना आ रहा था, बाबूजी का सारा बात सुन के गुस्सा आ रहा था समर को, सिर्फ फोड़ने की बात कह रहे थे। फिर आज बहू को लाने के लिए कह दिया, माने अब बहू को लाने को बोल रहे, उन्होंने अच्छा लगे बुरा ना लगे तो जिंदगी भर ना बुलाओ, माने मेरे को अगर नहीं फील होगा तो मैं नहीं बुलाऊंगा, तुमको शादी कराना था तुम करा दिए, अब जबरदस्ती कपल लाइफ में तो नहीं बांध सकते ना, वो ये सब सोच रहा था। अमर क्यों नहीं जा सकता, छोटा है कहकर उसकी आदतें बिगाड़ दी, समर बोल रहे कि छोटा है तो क्या हुआ, भेजो उसको, शादी तो जबरदस्ती करा दी पर बहू के साथ बोलना या ना बोलना तो मेरे हाथ में, जो मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे सेम चीज है कि अब प्रभा का आने का टाइम हो गया और बाबूजी बोल रहे कि प्रभा को जाकर लेकर आओ, बट वो मना कर दिया और क्या बोला कि छोटा भाई अमर को भेज दो, और बाबूजी बहुत गुस्सा कर रहे, और स्कूल का ये 25 रुपया फीस भरने के लिए रुपया मांगा तो भी बहुत गुस्सा किए। तो होपफुली ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर है गाइज। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।